Hi everyone and welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेन आज मैं आपसे शेयर करूँगी तिरंगा पुलाव। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम तिरंगा पुलाव बना सकते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़रूरत है। आप 15 अगस्त या रिपब्लिक डे पे ये ज़रूर बनाइए और अपने गेस्ट को खिलाइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। तिरंगा पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तो चलिए देख लेते हैं। चॉप किया हुआ टमाटर, पुदीना का पत्ता और कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड ग्रेटेड कैरेट्स। गाजर को ग्रेट करके रखा हुआ है, चॉप किया हुआ गार्लिक और साथ में है चॉप किया हुआ अनियंस एंड चॉप किया हुआ ग्रेट किया हुआ कैबेज, पत्ता गोभी और टोमेटो को भी मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है। मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से ब्लेंड कर ले, ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना ले। इस पेस्ट से बनेगा तिरंगा का ग्रीन कलर। राइस को पहले से ही बना के रख ले और उसे ठंडा होना बहुत ज़रूरी है और राइस बनाते समय इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें। एक पैन ले ले और उसमें घी ऐड करें। मैंने यहाँ पे छोटे चम्मच के 2-3 चम्मच घी ऐड किया है। जैसे ही घी गरम हो उसमें ऐड करें कूटा हुआ गरम मसाला, इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग है। साथ में ऐड करें 1 चम्मच खड़ा जीरा। जैसे ही मसाला भुन जाए उसमें ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड देन ऐड राइस। इसमें राइस ऐड करें और राइस ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल और इसे फ्राई करें 5 मिनट्स। और आपका सेंटर पार्ट ऑफ फ्लैग आपका रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम ऑरेंज राइस बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे पैन और उसमें मैंने वाइट ऑयल ऐड किया है, साथ में ऐड किया खड़ा जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल करने लगे उसमें ऐड करें चॉप किया हुआ गार्लिक एंड चॉप किया हुआ अनियंस। गार्लिक और अनियंस को अच्छे से सॉटे करें। अब इसमें ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड सम टर्मरिक पाउडर फॉर कलर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि अनियंस और गार्लिक बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करें ग्रेटेड कैरेट्स और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली और इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि गाजर अच्छे से टेंडर ना हो जाए। अब इसमें ऐड करें थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर। अगेन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली। अब इसमें ऐड करें टोमेटोज, चॉप किया हुआ टोमेटोज और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें अगेन और तब तक इसे कुक करें जब तक टोमेटो टेंडर ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कि टोमेटोज बिल्कुल टेंडर हो गया है, कैरेट्स भी टेंडर हो गया है। अब इसमें ऐड करें राइस और राइस को ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और आपका सैफ्रन कलर ऑफ पुलाव इज़ रेडी। फिर से पैन ले ले और उसमें वाइट ऑयल ऐड करें। आप घी से भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें ऐड करें खड़ा जीरा, साथ में ऐड करें चॉप किया हुआ गार्लिक एंड ऑल्सो ऐड चॉप किया हुआ अनियंस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली और इसे फ्राई करें ट्रांसलूसेंट होने तक। जैसे ही ये फ्राई हो जाए उसमें ऐड करें ग्रेटेड किया हुआ कैबेज, देन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली और इसे कवर करके कुक करें तब तक जब तक कि कैबेज अच्छे से टेंडर ना हो जाए। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कि बहुत हद तक ये टेंडर हो चुका है। अब इसमें ऐड करें चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज एंड वो पेस्ट ऐड करें, पुदीना और धनिया पत्ती की पेस्ट ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली और इसे कुक करें फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कि ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें राइस ऐड करें।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली, और आपका ग्रीन कलर का पुलाव बिल्कुल तैयार है। फ्लैग का ग्रीन कलर भी तैयार हो गया। एंड नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, फिर भी एक बार मैं आप सबको याद दिला देती हूँ कि हमारा तिरंगा 3 कलर का है एंड द टॉप मोस्ट इज़ सैफ्रन कलर, और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। और द मिडिल कलर वाइट, जो कि रिप्रेजेंट करता है पीस एंड ट्रूथ विथ धर्म चक्र। और जो लास्ट कलर है बैंड का, लास्ट कलर है ग्रीन कलर, और वो शो करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड। तो इस तरह से मैंने तिरंगा बनाया और तिरंगा पुलाव बनाया आप सभी के लिए। कैसा लगा आपको ये रेसिपी, ये ब्लॉग, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे इस तरह से भी परोस सकते हैं, सर्व कर सकते हैं विथ रायता एंड परवल आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और विथ सलाद से इस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी से ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।